नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका अपना बगीचा व्लॉगर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपिया के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लूँ सबसे पहले आपको पता चले। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनकी केयर की वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप चैनल में वीडियो सेक्शन में भी जाएंगे तो वहाँ पर आप आपका जो भी मनपसंद पौधा है उसके बारे में, उसकी केयर कैसे करनी है, पूरी डिटेल आपको उन वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो कॉपिया, हाइसोपी फोलिया, फॉल्स हैदर, मैक्सिकन हैदर, हवाइन हैदर, एल्फिन हर्ब, बहुत सारे नाम हैं इस पर्टिकुलर पौधे के। ये एक श्रब है और ये एवरग्रीन श्रब है, ये मतलब ये 12 महीने चलता है। नेटिवली ये मेक्सिको साइड से बिलोंग करता है लेकिन इंडिया के क्लाइमेट्स के अंदर भी इसने बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। आपको ये इतना इजीली नहीं मिलेगा नर्सरीज़ के अंदर, लेकिन कुछ नर्सरीज जहाँ पर ये मिल जाता है, महंगे नहीं होते ज़्यादा, नर्सरीज़ पे आपको ये अराउंड 40-50 रुपये के गमले मिल जाएंगे। मैंने पर्टिकुलरली ये वाला लिया था अराउंड 50 रुपीज़ का, काफ़ी टाइम हो गया एंड तब से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इनकी दो वेराइटीज़ होती हैं, एक तो जो आप पर्पलिश कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं ये, और एक होती है वाइट वाली आप जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी कभी नर्सरी से इसको ख़रीदें तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आप कोशिश करें कि एक ही गमले के अंदर ना आपको दोनों टाइप के फ्लावर्स मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वहाँ पे 15 गमले रखे हुए थे तो उनके अंदर से कुछ दो या तीन ही गमले ऐसे थे जिनके अंदर दोनों टाइप के फ्लावर्स नज़र आ रहे थे, तो मैं लकी कंसिडर करूँगा अपने आप को कि मुझे एक ही गमले के अंदर दोनों कलर्स मिल गए। ये जो प्लांट है इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये होम्योपैथिक जो दवाइयाँ बनती हैं उनके अंदर काम आता है, ऑयल्स बनाने में काम आता है। मैं चैनल के ऊपर जो भी जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी वीडियोज़ ज़्यादा मैं डालता नहीं हूँ, और डालता भी हूँ तो मैं सुझाव नहीं देता, क्योंकि मैं अगर कुछ चीज़ बोल दूँ कि हाँ इसको खाने से ऐसा होता है, इसको खाने से ऐसा होता है, और कल को कोई इसको खा ले गलत तरीके से, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अच्छे से अपनी रिसर्च कीजिए। जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ऐसे नहीं है कि आपने लगाया और आप खा सकते हो, चाहे वो बेशक पत्थर चट्टा का क्यों ना हो, या फिर तुलसी हो, या फिर नीम हो, कोई भी प्लांट क्यों ना हो आपके घर में, हर चीज़ को खाने का एक तरीका होता है। सिमिलरली इसके भी बहुत सारे तरीके, इनको किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बात करें इसके आकार की तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर छोटे छोटे इसके अंदर लीव रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फर्न जैसे रहते हैं थोड़े बहुत। और मज़े की बात ये कि पूरे साल ऐसे रहते हैं, मतलब इसके अंदर फूल आते ही रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और बहुत इजी टू ग्रो है, हार्ड टू किल प्लांट है, ऐसा है कि इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें जिनका ख्याल रखना होता है तो वो इजीली आप रख सकते हैं। और अगर आपको मिले किसी भी नर्सरी में तो ज़रूर ज़रूर ले कर आए, सस्ता भी है और पूरे साल भी टिका रहेगा। बात करें हम इसके केयर की, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ सॉइल की, तो यूजुअली ये किसी भी टाइप की सॉइल में ग्रो कर जाता है। आप अगर इसमें देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल उसके अंदर सैंड मिलाया है, प्लस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो डाला है कंपोस्ट। मेजरली मैंने गार्डन सॉइल और जो सैंड है दोनों का जो कंपोजिशन है वो सेम रखा है, बराबर बराबर ही रखा है गार्डन सॉइल और सैंड का, एंड आधे हिस्सा मैंने कंपोस्ट मिलाया है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे टाइप की मिट्टी में उग जाएगा, ऐसा कुछ इसका फिक्स रेशियो नहीं है, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो लेकिन जो भी है, मतलब ये है कि थोड़ा सा यू नो वेल ड्रेनिंग हो, कि मॉइस्ट भी रहे और लगे हाथ, वेल ड्रेनिंग भी हो, क्योंकि इसको ऐसा है कि ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है। पानी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा वाटरिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, ओवर वाटरिंग से इसको बिल्कुल बचाना है, क्योंकि इसके अंदर रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है, तो ओवर वाटरिंग ही ऐसा तरीका है जिससे आप इसको मार सकते हो, नहीं तो ये प्लांट बहुत हार्डी है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो जब आपको दिखे कि मिट्टी सूखने लगी है तब आप इसके अंदर पानी ज़रूर डालें, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मिट्टी के अंदर नमी है अभी भी तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनलाइट की बात करें, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है इसको, यूजुअली नर्सरीज़ में ये भारी रखा रहता है, लेकिन आप अपने घर में रख रहे हो तो कोशिश करें कि जो एकदम इंटेंस सनलाइट होती है ना जो दोपहर के टाइम की, उससे आप इसको थोड़ा सा बचा कर रखें, क्योंकि अगर आप एकदम इंटेंस सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो येलोइश कलर के होने लग जाते हैं,
जो आप नहीं चाहते, इसकी जो पूरी खूबसूरती है वो यही है कि हरे हरे पत्तों के अंदर से ये पर्पल कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखते हैं, तो बहुत इसकी पूरी खूबसूरती ये है। लेकिन जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है। सीज़न की बात करें तो 12 महीने चलता है। समर प्राइमरीली इसका ग्रोइंग सीज़न है, समर्स के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो बेशक आप इसको कटिंग से लगा रहे हैं या फिर सीड से उगा रहे हैं, कैसे भी उगा रहे हैं, नर्सरी से खरीद के भी ला रहे हैं, तो समर्स में ही लेके आए। विंटर्स के अंदर ये थोड़े से डोरमेंट हो जाते हैं, तो विंटर्स के अंदर आपने सेम जो भी पेड़ जिस भी सीज़न में डोरमेंट होता है तो फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपने, पानी की जो गैप है पानी डालने का उसको बढ़ा देना है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद पानी देना पड़ता है इसके अंदर। सेम वही सब चीज़ें करनी है, लेकिन समर में क्योंकि इसका ग्रोइंग सीज़न है और गर्मी भी रहती है तो सूख जल्दी जाता है गमला। आप देखेंगे कि मैंने इसको मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी गमला बाहर रखते हैं उसको कोशिश करें कि मिट्टी के गमले में ही रखें। मिट्टी के गमले सस्ते भी आते हैं एंड टूट भी जाते हैं, साल दो साल के अंदर नया आप ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। प्लास्टिक वाले के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी गर्मी सब कुछ ना, तो वो रूट रोट के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए मिट्टी के गमले में उगाएं, गर्मियों में ग्रो करेगा। प्रोपगेशन आप कटिंग से भी कर सकते हैं, सीड से भी कर सकते हैं, और क्योंकि सस्ता प्लांट है तो आप नर्सरी से लेके ही आ जाएं, आप इन सब झंझट में ना पड़े इसको प्रोपगेट करने के लिए। गमले के साइज़ के हिसाब से ग्रो करेगा, आप बड़े गमले में डाल देंगे तो बड़ा श्रब हो जाएगा, ये ज़मीन में डाल देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस गमले के अंदर है तो इस गमले के हिसाब से ही ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी ये एकदम फैल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार डालें इसको, इसको ज़रूरत रहती है। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जो केले के जो छिलके होते हैं उसका जो पानी आप वो डाल सकते हैं, या फिर मैं पर्सनली वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं महीने में एक बार थोड़ा सा, एंड दैट विल बी इनफ फॉर दिस प्लांट। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कोपिया के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।